से हमारे इस क्षेत्र के तहसीलदार राजेश बड़ू जी, उनके साथ उनकी जो टीम है, नायब सरपंच अपने तहसीलदार साहब और बाकी जितने भी उनके सहयोगी हैं, और हमारी बहन नीलम नरगोत्रा जी जिनकी जो वार्ड है, अपने संजय बड़ू जी जिनका जो वार्ड है सात लग का क्षेत्र होगा, और विशेष तौर पर पार्टी के नाते जिस पार्टी से हम संबंध रखते हैं भारतीय जनता पार्टी, संगठन के नाते इस मंडल के हमारे मंडल प्रधान श्रीमान केशव चोपड़ा जी, यो के एक समाज सेवक भी हैं और बहुत ही एक्टिव रोल अपना सोशल मीडिया में निभाते हैं, यशस्वी और तेजस्वी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं, ये एक टीम है, और इस समय जो केंद्र में टीम नेतृत्व कर रही है बहुत ही अच्छा देश का संचालन जो है वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये जो कोरोना महामारी ने अभी देश में दस्तक ही दी थी तो उसको रोकने के लिए जो प्रावधान थे वो केंद्र की सरकार ने शुरू कर दिए थे, पहने होंगे सैनिटाइजर भी जहां होंगे वगैरह वगैरह, तो मुझे अच्छा लगा कि सरकारी तौर पर भी और हमारे जो कार्यकर्ता हैं सोशल वर्कर हैं वो भी इसका ध्यान जो है वो रख रहे हैं, और आपने भी इसका ध्यान रखा, ये भी अपने आप में बहुत सुखद समाचार है। किसने सोचा था कि भाई धारा 370 भी हटेगी, 35 ए हटेगा, जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हैं, जो ऐसे भाई जिन्होंने 70-70 वर्ष जहां पर रहते हुए हो गए हैं, जिनका अधिकार बनता है कि उन्हें जहां पर वो पूरे अधिकार दिए जाए जिसके वो हकदार हैं, लेकिन आज तक वो नहीं हो सका था, लेकिन ये जो केंद्र में इस समय की सरकार है उन्होंने ये करके दिखाया, और हमने ये देखा होगा कि नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया, तो वो पल बहुत ही सुखदायक था जब हम भी पार्लियामेंट में बैठे हुए थे तो अमित
शाह जी आए और उन्होंने ठीक कहा संजय जी ने कि उन्होंने तीन शब्दों में ही कहा कि धारा 370 खत्म हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था, कई कई दिन महीने हफ्ते बीत गए, लोगों को लगता था कि क्या धारा 370 हट गई, धारा 370 हट गई, अब जाकर लोगों को यकीन है। अब हम इस समय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से हमें वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है जो कि सिविलियन के नाते हमें होनी चाहिए। और फिर ये जो सर्टिफिकेट, इसके लिए बड़ी अच्छी मेहनत राजेश जी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सुना कि रोजाना ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है बनाकर उन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके पास आज तक ये सर्टिफिकेट नहीं था। कोई नहीं, दुआ च करने ना चिंता करते बड़े कुमार।